तो दंतेवाड़ा से जहां पर वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है, गुटोली गांव से 3 लाख रुपए की अवैध सागौन को जब्त किया है। साथ ही पुलिस ने 6 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। 199 नग सागौन के पारा सहित चौखट खिड़की फर्नीचर को भी जब्त किया गया है। दंतेवाड़ा वन विभाग और बीजापुर वन अमले की संयुक्त टीम की कार्रवाई है। गीदम रेंज के गुटोली गाँव के परेमा पारा पटेल पारा से लकड़ियां पकड़ी गई है। तो सागौन की चौखट खिड़की फर्नीचर जब्त किए गए हैं। गीदम रेंज के गुटोली गांव में ये कार्रवाई हुई है, वन विभाग की ये छापामार कार्रवाई है। पंकज सिंह भदौरिया जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। पंकज, कार्रवाई की गई है, कितनी बड़ी सफलता इसको माना जाए? ये जो लकड़ी पकड़ाई है ये गीदम से पकड़ाई है, गीदम रेंज का मामला है। इसमें गुटेली गांव से सीसीएस को मुखबिर की सूचना मिली थी कि यहाँ पर 8 घरों में लकड़ियों की तस्करी हो रही है। इसमें बीजापुर वन विभाग का और दंतेवाड़ा वन विभाग का तीनों प्लेयर है। टीम बनाकर से गबित दी गई, 199 पारा मिले हैं, 3 लाख से ऊपर की लकड़ी पकड़ाई है। सारी की सारी इमारती लकड़ियां हैं, 199 किरान के पारा है, 2.5 घन मीटर लकड़ी इसको बताया जा रहा है और फॉरेंसिक को अपनी लिहाज से बड़ी सफलता मान रही है। जी शुक्रिया जानकारी के लिए।